हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं ऋचा शर्मा। स्वागत है आपका घर की टिप्स पर एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे उन फ्रूट्स के बारे में जो आप डायबिटीज़ में भी खा सकते हैं। तो इन फ्रूट्स के अमेजिंग हेल्थ बेनिफिट्स जानने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। अमरूद। डायबिटिक पेशेंट्स के लिए अमरूद एक बहुत ही अच्छी न्यूट्रिशियस फ्रूट चॉइस है, क्योंकि इसमें बहुत अच्छी मात्रा में लाइकोपीन और डाइट्री फाइबर होता है। इसके साथ अमरूद में पोटेशियम, कैल्शियम, विटामिन ए, विटामिन सी और मैग्नीशियम भी होता है। अमरूद का फल और इसके पत्तियों की चाय दोनों ही डायबिटिक लोगों के लिए बहुत गुणकारी है। बहुत सी मेडिकल रिसर्च में ये देखा गया है कि बिना छिलके के अमरूद खाने से ये ब्लड में शुगर एब्जॉर्प्शन को कम कर देता है। डायबिटिक लोगों को अक्सर कॉन्स्टिपेशन की परेशानी हो जाती है, और क्योंकि अमरूद में बहुत अधिक मात्रा में फाइबर होता है जिससे ये कॉन्स्टिपेशन में भी आराम देता है। अमरूद में जो पोटेशियम होता है उससे ब्लड प्रेशर रेगुलेट होने में सहायता मिलती है। मेडिकल रिसर्च में ये भी पाया गया है कि खाना खाने के बाद अमरूद की पत्तियों की चाय पीने से ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने से रोकता है। तो अपने ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखने के लिए प्रतिदिन बिना छिलके के एक अमरूद खाने का प्रयास करें। पपीता। डायबिटिक लोगों के लिए पपीता एक बहुत ही अच्छा फल है। जिन लोगों का ब्लड शुगर लेवल बहुत बढ़ा रहता है उन्हें नियमित रूप से पपीता खाना चाहिए। पपीता खाने से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल होता है। पपीते में कैरोटीन और पपाइन नाम के एंजाइम्स होते हैं जो कि डायबिटीज से होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट की प्रॉब्लम्स, किडनी प्रॉब्लम्स और एजिंग के इफेक्ट से बचाता है। संतरा। अपने अच्छे स्वाद और पौष्टिक गुणों के कारण संतरा एक बहुत ही पसंद किए जाने वाला फल है। संतरे में कैलोरीज कम होती हैं और फाइबर, पोटेशियम, फोलेट, थियामीन और विटामिन सी भरपूर मात्रा में होता है। संतरे मीठे जरूर होते हैं पर इनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सिर्फ 31 से 51 के बीच होता है। संतरे में पॉलीफेनॉल्स और फाइबर भरपूर मात्रा में होता है जो बढ़े हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में सहायता करता है। अगर आप संतरे को अपनी डाइट में इंक्लूड करेंगे तो आपके कुछ मीठा खाने की इच्छा भी कंट्रोल होगी और साथ ही ये आपके ब्लड शुगर लेवल को भी कंट्रोल करेगा। एप्पल। सेब के गुणों को हम में से कौन नहीं जानता, पर क्या आप जानते हैं कि डायबिटीज के लिए भी एप्पल खाना बहुत लाभदायक है। एप्पल का फ्रूट और इसका छिलका दोनों ही सोल्यूबल फाइबर, विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। इसमें पाए जाने वाला फाइबर डाइजेशन प्रोसेस और कार्बोहाइड्रेट्स के एब्जॉर्प्शन के प्रोसेस को स्लो कर देता है, जिससे आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। इसके अलावा एप्पल में भरपूर मात्रा में फाइबर, पानी और न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिससे इसे खाने के बाद पेट भरा भरा लगता है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स उस मेजरमेंट को कहते हैं जो ये मेजर करता है कि कितनी जल्दी आपके खाने का कार्बोहाइड्रेट्स आपके ब्लड शुगर लेवल को बढ़ाता है। एप्पल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स केवल 30 से 50 के बीच होता है। इस तरह एप्पल डायबिटिक लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी फ्रूट चॉइस है, पर ध्यान रखें हमेशा एप्पल छिलके के साथ खाएं, इस तरह ये ज्यादा फायदा करेगा। जामुन। जामुन डायबिटीज के लिए एक मिराकल फ्रूट है। इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जिससे ये ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने नहीं देता। ये फल स्टार्च को एनर्जी में कन्वर्ट करता है और इससे डायबिटीज से होने वाली और परेशानियां जैसे प्यास ज्यादा लगना या पेशाब ज्यादा आना भी कंट्रोल में रहता है। डायबिटीज के इलाज के लिए जामुन की पत्तियां, बीज और फल सभी का उपयोग किया जाता है। अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए और इंसुलिन सेंसिटिविटी को बढ़ाने के लिए डायबिटिक लोगों को जामुन जरूर खाना चाहिए। नाशपाती। नाशपाती में फाइबर और विटामिन्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, इसलिए ये मधुमेह के मरीजों के लिए ग्रेट चॉइस है। नाशपाती में लेव्यूलोज नाम का एक नेचुरल शुगर होता है जो मीठा तो लगता है पर ये तुरंत ही डाइजेस्ट हो जाता है जिससे ब्लड शुगर लेवल बढ़ता नहीं है।
साथ ही नाशपाती में कार्बोहाइड्रेट्स और कैलोरीज कम होती हैं और फाइबर ज्यादा होता है, जिससे ये डायबिटिक लोगों के लिए और जो लोग अपना वजन कम करना चाहते हैं उनके लिए भी बहुत ही अच्छा फल है। कीवी। कीवी का भी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है और साथ ही इसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है और कार्बोहाइड्रेट्स कम होता है। इससे ब्लड शुगर लेवल भी कंट्रोल में रहता है और साथ ही खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल कम होने में भी सहायता मिलती है। कीवी में इनोसिटॉल नाम का एक एंजाइम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखता है। कीवी बहुत से मिनरल्स और विटामिन्स का अच्छा सोर्स है, जैसे विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, फाइबर, पोटेशियम, फोलेट और बीटा कैरोटीन, जो हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए और एनर्जी लेवल को बढ़ाने के लिए कीवी एक बहुत ही अच्छा फ्रूट है। स्ट्रॉबेरी। डायबिटिक लोगों के लिए स्ट्रॉबेरी एक बहुत ही अच्छा सुपर फूड है। स्ट्रॉबेरी में शुगर की मात्रा बहुत कम होती है, साथ ही इसमें विटामिन्स, एंटीऑक्सीडेंट्स और डाइट्री फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। बहुत सी मेडिकल स्टडीज में ये देखा गया है कि रेगुलरली स्ट्रॉबेरीज खाने से टाइप 2 डायबिटीज के खतरे से बचे रहते हैं। स्ट्रॉबेरी में कार्बोहाइड्रेट कम होता है और इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी 40 के आसपास है। स्ट्रॉबेरी खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है और आपका एनर्जी लेवल भी बढ़ता है। एवोकैडो। एवोकैडो मेक्सिको में पैदा होने वाला नाशपाती जैसा एक फल है। ये पौष्टिक गुणों से भरपूर एक ऐसा फल है जो आजकल भारत में भी फेमस हो गया है। इसमें बहुत से विटामिन्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होता है, जिससे ये ब्लड शुगर लेवल पर कोई असर नहीं डालता। एवोकैडो में जो फैट होता है वो मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, जो कि बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है और हार्ट की हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। डायबिटिक लोग बिना अपने ब्लड शुगर लेवल की चिंता किए हुए एवोकैडो खा सकते हैं, पर इसे मॉडरेशन में ही खाना चाहिए। चेरीज। चेरीज का ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल बहुत ही कम, सिर्फ 22 होता है, इसलिए इससे ब्लड शुगर लेवल को बढ़ने का कोई खतरा नहीं रहता। इस तरह ये डायबिटिक लोगों के लिए ग्रेट फ्रूट चॉइस है। चेरी में एंथोसाइनिन्स नाम का केमिकल होता है जो इंसुलिन प्रोडक्शन को 50% तक बढ़ाता है, जिससे ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। ये डायबिटीज से होने वाली बीमारियां जैसे हार्ट डिजीज और कैंसर से लड़ने में भी सहायता करता है। तो फ्रेंड्स, होपफुली डायबिटीज में खाए जाने वाले फ्रूट्स का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और साथ ही अपना फीडबैक हमसे कमेंट सेक्शन में भी शेयर करें। हेल्दी, फिट और स्ट्रांग बने रहने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वन। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी।